सो हेलो एवरीवन। तो आपने नेवी डबल एक एग्ज़ाम में देखा होगा कि ऑलमोस्ट हर एक शिफ्ट के पेपर में आपसे एक क्वेश्चन कंट्री के कैपिटल या फिर करेंसी से था। जैसे कि आपने देखा होगा कि लाइबेरिया की करेंसी पूछी गई थी, मतलब कंट्री का कैपिटल और करेंसी हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हो कि करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, और आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि नेवी SSR और एयरफोर्स के एग्ज़ाम, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि अगर हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है किसी पेपर में, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज़। तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर एक कंट्री का इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ के आपको याद होने चाहिए। वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कौन सी कंट्री का याद करना है, और साथ ही साथ मैं उसकी कंट्री की कैपिटल, करेंसी सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं शो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा जो जो कंट्रीज़ का, क्योंकि एक क्वेश्चन आना आपके एग्ज़ाम में पक्का है। इससे आपने एग्ज़ाम से देख लिया होगा, नेवी डबल एक एग्ज़ाम से समझ लिया होगा कि एक क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पक्का आएगा, तो कितना इंपॉर्टेंट वो आप समझ सकते हो। अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला है अल्बानिया। ठीक है, ये मैंने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाए हुए हैं। तो पहला है अल्बानिया। तो अल्बानिया की कैपिटल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। पहले तो कैपिटल है टिरेन, और इसकी जो करेंसी है वो है लेक। ठीक है, देखिए जहाँ भी जिस कंट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा मैं वहाँ पर बता दूंगा, तो मेक श्योर उसको ढंग से देख लीजिएगा एक बार। जैसे कि टर्की का मोस्ट एक्सपेक्टेडली, खासकर मुझे नहीं पता, अगर अभी पेपर सेट हो गया होगा नेवी SSR का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर थोड़ा बाद में होगा तो टर्की का करेंसी 100% पूछा जाएगा आपसे। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो करंट का, तो बहुत ज़्यादा टर्की की जो करेंसी है लीरा, बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में है। तो 100% चांस बनते हैं आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के। तो ऐसी भी जो भी करेंसीज और कैपिटल होंगी वो मैं आपको बताता चलूँगा साथ साथ। ठीक है, तो अल्बानिया का हम लोगों ने देखा टिरेन यहाँ पर कैपिटल, और लेक इसका करेंसी है। ये इसको लैंग्वेज है जो आपको बिल्कुल नहीं देखना, ये आपको याद नहीं करना कि उस कंट्री में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। सिर्फ आपको ये रखी है कैपिटल्स और ये है करेंसी। ठीक है, दूसरी है अल्जीरिया। अल्जीरिया के कैपिटल से अल्जीर्स। ठीक है, और इनका जो करेंसी है वो है अल्जीरियन दिनार। ठीक है, अगला है अंडोरा। अंडोरा की कैपिटल है अंडोरा ला वेला, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो। ये एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का एक हिस्सा है, तो इसी वजह से ये यूरो करेंसी फॉलो करता है। ठीक है, अगला कंट्री है अंगोला। अंगोला का कैपिटल लुआंडा, और इसका जो करेंसी है वो क्वांजा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अंगोला। ठीक है, अगली कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीगुआ एंड बारबुडा। ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो मेहुल चौकसी है, आपको पता होगा, जिसको भगोड़ा साबित कर रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने, उसने हाल ही में यहीं पर शरण ले रखी है, और यहीं की सिटीजनशिप उसने ले रखी ले ली है, एंटीगुआ एंड बारबुडा की। ये कैरेबियन आइलैंड है, अगर आपको पता हो, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, तो इसका जो कैपिटल है वो है सेंट जोन्स, और इसकी जो करेंसी है वो है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। ठीक है, क्योंकि कैरेबियन कंट्री है, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ हो गया, पनामा हो गया, ये सब कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी करेंसी भी कोई याद करने में दिक्कत नहीं होगी, ईस्ट कैरेबियन डॉलर। अगला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनॉस एरियस। क्या है? ब्यूनॉस एरियस, और इसकी जो करेंसी है वो अर्जेंटीन पीसो। अर्जेंटीन पीसो, ठीक है, तो ज़्यादा करेंसी तो ज़्यादा हार्ड नहीं, क्योंकि करेंसी कंट्री के नाम पे ही है, अर्जेंटीना की है, अर्जेंटीन पीसो। ठीक है, तो आपको कैपिटल में ज़्यादा ध्यान देना है, ब्यूनॉस एरियस। अगला है आर्मीनिया। आर्मीनिया की जो कैपिटल है वो है येरीवान, और इसका जो करेंसी है वो है ड्रैम। ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबेरा, और इसका जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, जैसे अभी ये वो वाला डॉलर नहीं है जो आप ये समझते हो कि $1 इक्वल्स टू जो भी का चल रहा है 70 रुपये, वो है US डॉलर। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं भाषा में, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है जो कि US डॉलर से अलग है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस कैपिटल याद रखिए कैनबेरा। अगले कंट्री है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है वियना में, और क्योंकि यूरोप की कंट्री है तो इसकी करेंसी यूरो होगी। मोस्ट ऑफ़ द जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उनकी करेंसी यूरो ही है, मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ की। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो यूरो को नहीं फॉलो करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ जो यूरोप की हैं वो यूरो को ही फॉलो करती हैं। इसकी कैपिटल याद रख लीजिए, ऑस्ट्रिया बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, वियना इसकी कैपिटल है। अगला है अजरबैजान।
अजरबैजान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि कैस्पियन सी, अगर आपने नाम सुना हो, कैस्पियन सी उसकी उससे बॉर्डर शेयर करता है। और टर्की, जो कि बहुत न्यूज़ में, अभी मैंने आपको बताया था टर्की बहुत न्यूज़ में है, तो टर्की के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है अजरबैजान, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसकी कैपिटल है बाकू, ठीक है, बाकू। और मन्नत, आप इसको याद कर सकते हो, मन्नत वैसे तो है मनट, लेकिन मन्नत आप याद कर सकते हो इसकी करेंसी, ठीक है। अगला है द बहामास, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। अगला है बहराइन, बहराइन भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगली कंट्री इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश, हो सकता है आपको इसकी करेंसी और कैपिटल याद हो। इसकी कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और करेंसी है टाका, तो ढाका और टाका। अगला है बारबाडोस, बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन और इसका जो करेंसी है बारबेडियन डॉलर। देखिए जो करेंसी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि उनकी कंट्री के नाम पे, जैसे कि हमने देखा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन डॉलर, अर्जेंटाइन अर्जेंटीना का देखा अर्जेंटीन पीसो, है ना, बारबाडोस का देखिए बारबेडियन डॉलर, तो इतना कठिन नहीं है याद करना, तो इस वजह से इनके पूछने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो याद करने में आसान होते हैं वो आपसे कम ही पूछे जाते हैं। अगर करेंसी पूछी जाती है तो बिल्कुल जो अलग सी लगे, जैसे कि जापान की कुर्सी, चाइना की कुर्सी, जो उनकी कंट्री के साथ मैं जो कि कंट्री के साथ मैच नहीं खाती है, जिनकी करेंसी में कंट्री का नाम नहीं आता है, ठीक है। अगला है बेलारूस, बेलारूस की कैपिटल है मिन्स, ठीक है, मिन्स्क, और इसकी बेलारूसियन रूबले, तो ये भी ज़्यादा कठिन नहीं है, बेलारूसियन रूबले की करेंसी है। अगली कंट्री है यूरोप की बेल्जियम, बेल्जियम की जो करेंसी है वो है ब्रूसल्स, सॉरी कैपिटल ब्रूसल्स है और करेंसी यूरो है, ठीक है, क्योंकि यूरोप की कंट्री है तो यूरो इसकी करेंसी है, और ब्रूसल्स इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कैपिटल है। अगला है बेलीज, इसका ये नहीं याद करना है, बेनिन भी याद नहीं करना। भूटान देखिए आप, भूटान क्योंकि इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इस वजह से इम्पॉर्टेंट है। भूटान की जो कैपिटल है वो है थिम्पू और इसकी जो कैपिटल है वो है सॉरी कैपिटल बोल रहा हूँ, करेंसी जो है वो है गल्ट्रम, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भूटान की कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है गल्ट्रम, ठीक है। अगली कंट्री है बोलीविया, बोलीविया कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है साउथ अमेरिका में। बोलीविया की यहाँ पर जो कैपिटल है वो है लापास या फिर सुक्रे और इसकी जो करेंसी है वो है बोलीवियानो। अगली कंट्री बॉस्नियन हर्जिगोविनिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बोत्सवाना, फिर अगला है कंट्री बोत्सवाना के कैपिटल है गैबोरोने, क्या है गैबोरोने, और इसकी जो करेंसी है वो है पूला, ठीक है। अगली कंट्री है ब्राज़ील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील की है ब्राज़ीलिया कैपिटल, ठीक है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया और इसकी जो करेंसी है वो है रियाल, क्या है रियाल। अगली कंट्री है ब्रुनेई, इसको याद नहीं करना, बुल्गारिया इसको भी याद नहीं करना है, बुर्किनो फासो छोड़ देना है, बुरुंडी छोड़ देना है, कंबोडिया देखिए, कंबोडिया कहाँ की कंट्री है, साउथ अमेरिका की कंट्री है, नॉर्थ में पड़ता है, मतलब साउथ अमेरिका में अगर देंगे तो नॉर्थ में पड़ती है कंट्री कंबोडिया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में ये भी न्यूज़ में रहा है कंबोडिया, और इसकी जो कैपिटल है वो है फ्नोम पेन, क्या है फ्नोम पेन, ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो रियल, रियल। अब देखिए ब्राज़ील है रियल, ब्राज़ील की करेंसी रियाल और कंबोडिया की है रियल, आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील और कंबोडिया दोनों ही साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, एक ही करेंसी है रियाल और एक ही है रियल, तो याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको, रियाल और रियल, इस कन्फ्यूज़ मत होइएगा, ठीक है, रियाल है ब्राज़ील की और रियल है कंबोडिया की। अगला है कैमरून, आपको याद नहीं करना है। अगला है कनाडा, कनाडा की कैपिटल है ओटावा, ठीक है, और इसकी जो करेंसी है वो है कैनेडियन डॉलर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर वैसे कि कनाडा की कैनेडियन डॉलर। अगला केप वर्डी, ये भी याद नहीं करना, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये भी याद नहीं करना, चैड, चैड की देखिए चैड की कैपिटल है एन डिजामिना और इसकी जो करेंसी है वो सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिए। चिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, चिली की ये है साउथ अमेरिका की कंट्री जहाँ की कंबोडिया और ब्राज़ील है, चिली की जो कैपिटल है वो है सेंटियागो, ठीक है सेंटियागो, और इसकी जो करेंसी है वो है चिलियन पीसो, ठीक है चिलियन पीसो, जैसे कि अर्जेंटीना, अर्जेंटीना भी साउथ अमेरिका की कंट्री है, उसकी करेंसी क्या थी अर्जेंटीन पीसो, ऐसे चिली की है चिलियन पीसो, दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ चिली और अर्जेंटीना, तो याद कर लीजिए, याद करने में आसानी होगी आपको, जैसे कि अभी मैंने देखा बताया कि ब्राज़ील, भी हम लोगों ने देखा ना ब्राज़ील और
कंबोडिया, दोनों एक ही कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं, साउथ अमेरिका की दोनों की क्या हैं, कंबोडिया की है ब्राज़ील की है रियाल और कंबोडिया के रियल, और ऐसे ही अर्जेंटीना भी दोनों एक ही कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं, वो उसकी अर्जेंटीना की है अर्जेंटीन पीसो और चिली की है चिलियन पीसो। अगला है चाइना, चाइना की कैपिटल आप लोगों को पता होगा बीजिंग है, और इसकी जो करेंसी है वो है चाइनीज़ युआन। ठीक है, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में ऐसे हो सकता है क्या, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो आपको ऐसे नहीं देगा चाइनीज़ युआन, बल्कि सिर्फ युआन लिख के ही देगा। ठीक है, तो आपको युआन ध्यान में रखना है। अगला है कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया भी साउथ अमेरिका की कंट्री है, और देख सकते हैं इसकी भी करेंसी जो है, करेंसी पे आप मैं पहले फोकस कीजिए, कोलंबियन पीसो। ठीक है, आप देख सकते हो जो मोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका कंट्रीज हैं उनकी करेंसी पीसो है। ठीक है, कंट्री का नाम और बाद में पीसो। कोलंबिया की राजधानी यानी कैपिटल देख लेते हैं, वह बोगोटा, क्या है बोगोटा। फिर अगला है कोमरोस, वो आपको याद नहीं रखना है। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, लेकिन एक बार देख लीजिए, जैसे कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की किनहासा है और करेंसी कॉन्ग्लुइसी फ्रैंक है, और उसकी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ब्रज़ाविले इसकी कैपिटल और करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक है। अगला कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका की कैपिटल है कैन जोस, और इसकी जो करेंसी वो है कोलोन। ठीक है, अगली कंट्री आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है क्रोएशिया, क्रोएशिया बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको बताओ कि फीफा वर्ल्ड कप की सेमी फाइनलिस्ट रही थी, उप विजेता टीम रही थी क्रोएशिया, और इसकी जो राजधानी वो है जगरेब, क्या है जगरेब, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री ध्यान में रखिएगा इसको, जगरेब, और इसकी जो करेंसी है वो है क्रोएशियन, क्या है क्रोएशियन, उतना कठिन नहीं है, ईजी है बहुत करेंसी, कैपिटल ध्यान में रखिए जगरेब। अगली कंट्री है क्यूबा, हवाना इसकी कैपिटल है और क्यूबियन पीसो इसकी करेंसी है। सिप्रस, अगली कंट्री सिप्रस की कैपिटल है निकोसिया, और जो इसकी करेंसी है यूरो, क्योंकि यूरो की कंट्री है। फिर आ जाते हैं इसके बाद डेनमार्क में, डेनमार्क की जो कैपिटल है वो है कोपेन हैजन, क्या है कोपेन हैजन, और इसकी जो करेंसी है वो है डैनिश क्रोन। अगला है जिबूटी, जिबूटी कहाँ पड़ता है, ये अफ्रीका में पड़ता है, अगर आपने देखा हो सोमालिया, सोमालिया ऐसा है ठीक है, यहीं पे सोमालिया के बगल में जस्ट पड़ता है जिबूटी, जिबूटी इसकी कैपिटल जिबूटी ही है, और इसका जो करेंसी है वो है जिबूटियन फ्रैंक। अगली है डोमिनिका, वो आपको याद नहीं रखना। इसके बाद आ जाते हैं सीधे यूसेडर में, यूसेडर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है साउथ अमेरिका में, और यही यही पहला देश है जहाँ से इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो पास होती है, सबसे पहली कंट्री है ये। ठीक है, इसी वजह से इस कंट्री का नाम यूसेडर पड़ा। ये फिर ये कहें कि इसी कंट्री की वजह से जो उस लाइन का नाम है वो इक्वेटर पड़ा, तो इक्वेटर का जो कैपिटल है वो है क्वेटो, क्या है क्वेटो, और इसकी जो करेंसी है वो यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, यानी कि जो यूएस का डॉलर है जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं वो इसकी करेंसी है यूसेडर की। अगला है इजिप्ट, इजिप्ट है कंट्री कहाँ की, अफ्रीका की, सेंट्रल अफ्रीका में पड़ती है कंट्री, और इसकी जो कैपिटल है वो है कैरो, और इसकी जो करेंसी वो है इजिप्टियन पाउंड। अगली कंट्री में आते हैं इसके बाद हम लोग फिजी, फिजी कहाँ पड़ता है, ये ऑस्ट्रेलिया के पास में एक आइलैंड है कंट्री फिजी, और इसकी जो कैपिटल है वो है सुआ, क्या है सुआ, और इसकी जो करेंसी है वो है फिजियन डॉलर। अगली कंट्री है फिनलैंड, यूरोप की कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो है हेल सिंकी, हेल सिंकी इसकी कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो यूरो है, क्योंकि ये यूरोपीय कंट्री है। फिर है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी आपको पता होगी पेरिस है, और इसकी जो करेंसी है वो भी यूरो ही है। अगली करेंसी कैपिटल है गेबोन, गेबोन कहाँ की कंट्री है, गेबोन है आपकी अफ्रीका की, सेंट्रल अफ्रीका में पड़ती है कंट्री। गेबोन की जो कैपिटल है वो है लिब्रेविले, और इसकी जो करेंसी है वो सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रांस। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो अफ्रीका की हैं उनकी यही करेंसी है। अभी हम जितने भी कंट्रीज देखा ऑलमोस्ट में जितने 90% जितना भी हम लोगों ने देखा क्या जो अफ्रीकन कंट्रीज थी उनकी जो करेंसी है वो सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक ही है। अगली कंट्री जो हम लोगों को देखने हुए जर्मनी, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और इसकी जो करेंसी है वो है यूरो। फिर अगली घाना, घाना की कैपिटल है अक्रा, और इसकी जो करेंसी है वो है घनानियन सीडी। अगली कंट्री ग्रीस, ग्रीस की कैपिटल एथेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी करेंसी है यूरो। अगली कंट्री जो हम लोग को देखनी है वो है, इसके बाद सीधे आते हैं हम लोग हंगरी पे, कहाँ पे हंगरी, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है बुडापेस्ट हंगरी की। ठीक है, और हंगरी कहाँ पड़ता है, ये यूरोप में पड़ता है आपको बताना चाहिए, और इसकी जो
करेंसी है वो है फॉरिंट, ठीक है। अगली कंट्री है आइसलैंड, ये भी यूरोप में पड़ती है, और इसकी जो कैपिटल है वो है रे किजाविक, और इसकी जो करेंसी है वो है आइसलैंडिक क्रोना। अगली कंट्री इंडिया, बताने को जरूरत नहीं है, न्यू दिल्ली और इंडियन रुपी। अगली कंट्री है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, और इसकी जो करेंसी है वो है रुपया, आसान है याद करने में, ठीक है, रुपया। अगली कंट्री है ईरान, ईरान भी इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि कैस्पियन सी के बॉर्डर, ये भी बॉर्डर करता है कैस्पियन सी को, और कैस्पियन सी इस समय बहुत न्यूज़ में चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ईरान की कैपिटल है तेहरान, तेहरान इसकी कैपिटल, और इसकी जो करेंसी है वो रियाल है। अब ध्यान से देखिए, रियाल हम लोगों ने देखा था अभी, ठीक है, रियाल, और रील भी देखा हम लोगों ने, रियाल अभी देखा ब्राज़ील की, फिर रियल आपकी कंबोडिया की और ईरान की रियाल। कंबोडिया का देखिए, ब्राज़ील का भी रियाल है और ईरान का भी रियाल, अंतर क्या है, REAL है ब्राज़ील का और ईरान का है RIAL, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इराक, इराक का है बगदाद, और इसकी जो करेंसी है वो है इराकी दिनार। इसके बाद आते हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसकी कैपिटल डबलिन, और करेंसी है योरा, यूरो सॉरी, इसकी, क्योंकि एक यूरो की कंट्री है। अगली है इसराइल, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है इसराइल की, इस नेवी डबल एग्जाम में पूछा भी गया था। इसराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम, और इसकी जो करेंसी है वो है शेकेल, क्या है, शेकेल। अगली करेंसी है इटली, सॉरी अगली कंट्री है इटली, और इसकी करेंसी जो कैपिटल है वो रोम, और करेंसी यूरो। अगली कंट्री देखते हैं, अगली कंट्री है जमाइका, जमाइका भी कैरेबियन आइलैंड है, इसकी जो कैपिटल है वो है किंगस्टन, और जमाइकन डॉलर इसका करेंसी है। जापान बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, कैपिटल टोक्यो, और जो करेंसी है वो है येन, ठीक है। अगली कंट्री है कजाकिस्तान, जॉर्डन को छोड़ दीजिए आप, आपको याद नहीं करना, कजाकिस्तान देखिए, अब कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना, और टेंगे इसकी जो करेंसी है। अगली कंट्री है केन्या, केन्या की जो कैपिटल है वो है नैरोबी, और इसकी करेंसी है केनियन शिलिंग। इसके बाद आते हैं किरीबाटी को छोड़ दीजिए, नॉर्थ कोरिया में आइए आप, नॉर्थ कोरिया बहुत न्यूज़ में आपको पता ही होगा, ठीक है, वहाँ पर जो अपने शासन चल रहा है, अपने शासन की वजह से किम जोंग उन के लिए बहुत ये न्यूज़ में रहता है। तो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग, ठीक है, यहीं पे आपको पता होगा जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का जो तानाशाह, उसके बीच में मीटिंग हुई थी प्योंगयांग में, और इसकी जो करेंसी वो है नॉर्थ कोरियन वोन। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, ठीक है, और इसकी करेंसी है साउथ कोरियन वोन। अगली कंट्री जो हम लोग को देखने वो है कुवैत, कुवैत अब पड़ती है आपका कहाँ पे है, सेंट्रल एशिया में, अगर आपको पता हो तो। कुवैत की जो कैपिटल है वो कुवैत सिटी, और इसका जो करेंसी है वो है कुवैती डॉलर। अगली कंट्री जो हम लोग को देखनी है उसके बाद है लाइबेरिया, लाइबेरिया इस बार अगर आपको पता हो तो आया था कि इसकी कैपिटल क्या है, नेवी डबल के एग्जाम में आया था लाइबेरिया की कैपिटल, तो लाइबेरिया की कैपिटल है मोनरोविया, क्या है, मोनरोविया, और एक इसकी जो करेंसी है वो लाइबेरियन डॉलर है। और एक यहाँ पे देख लीजिए, लेबनान को मैंने छोड़ दिया था बीच में, लेबनान इंपॉर्टेंट है, लेबनान की जो कैपिटल है वो है ब्यूरिट, ठीक है, ब्यूरिट इसकी कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड, तो कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाती है ब्यूरिट। अगली कंट्री है जो आपको देखनी है मेडागास्कर, मेडागास्कर कहाँ पड़ता है, अफ्रीका अगर ये है तो यहाँ पर एक आइलैंड, अगर आपको पता हो यहाँ पर आइलैंड पड़ता है, ये आइलैंड मेडागास्कर आइलैंड है, और इसकी जो कैपिटल है वो है एंटाना रोविया, ठीक है, एंटाना नारीवो, और इसकी जो करेंसी है वो है मलागासी अरियरी, ठीक है। अगली कंट्री हम लोग को देखनी है मलेशिया, मलेशिया की कैपिटल है कुआला लंपुर, और इसकी जो करेंसी है वो रिंगिट, ठीक है। अगली कंट्री है मालदीव्स, मालदीव्स आपको पता होगा कहाँ पड़ता है, इंडिया के जो इंडियन ओशियन में, ठीक है। मालदीव्स की जो करेंसी है वो है, सॉरी जो कैपिटल है वो है माली, और इसकी जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुफिया, ठीक है, आप कैपिटल ध्यान में रखिएगा माली। अगली कंट्री है इसमें जो आपको याद करनी है वो है मॉरिशियस, मॉरिशियस आपको पता होगा ये भी इंडियन ओशियन में पड़ता है, पोर्ट लुइस इसकी कैपिटल है, और मॉरिशियस मॉरिशियन रुपी इसकी जो है करेंसी है। अगली कंट्री है मेक्सिको, ये कहाँ पड़ती है, नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है, मेक्सिको सिटी इसकी कैपिटल, और मेक्सिकन पीसो इसकी करेंसी है। अगले कंट्री जो आपको देखनी है वो है मोरक्को, मोरक्को कहाँ पड़ता है, ये पड़ती है अफ्रीका में, मोरक्को की जो कैपिटल है वो रबाट,
और इसकी जो करेंसी है वो मोरोक्कन दिराम। अगली कंट्री जो आपको देखनी है वो म्यांमार। म्यांमार की जो करेंसी जो कैपिटल है वो है निपियाडो, ठीक है, निपियाडाओ। और इसकी जो करेंसी है वो है क्याट, ठीक है। अगली कंट्री नेपाल, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू और नेपाली रुपीज़ की करेंसी। अगली कंट्री है नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टरडम और यूरोज़ की करेंसी है क्योंकि यूरोपियन कंट्री है। अगली कंट्री है न्यूजीलैंड, इसकी जो कैपिटल है वह वेलिंगटन, वेलिंगटन, और इसकी जो करेंसी है वह न्यूजीलैंड डॉलर है। अगली कंट्री जो देखनी है नाइजर, नाइजर कहाँ पड़ती है, अफ्रीका में, अफ्रीका में पड़ती है। उसकी जो कैपिटल है वह नियामी और इसकी वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक इसकी करेंसी है। अगली कंट्री है नॉर्वे, नाइजीरिया भी है, नाइजीरिया भी आपको याद करना, नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है और नायरा इसकी कैपिटल और करेंसी है। फिर है नॉर्वे, नॉर्वे आपके पड़ते हैं यूरोप में और इस ओस्लो इसकी कैपिटल है और नॉर्वेजियन क्रोन इसकी करेंसी। अगला कंट्री जो आपको देखना है पाकिस्तान, पाकिस्तान छोड़ दीजिए, फर्जी की कंट्रीज हैं ये। फिर आपको देखना है पनामा, पनामा आपको पता होगा पनामा पेपर्स की वजह से बहुत फेमस है। पनामा वहीं पड़ता है, एंटीगुआ के बगल में कैरिबियन आइलैंड है। इसकी जो पनामा सिटी इसकी कैपिटल है और बलबोआ इसकी करेंसी है। फिर इसके बाद देखना हम लोग को पापुआ एंड न्यू गिनी, पापुआ एंड न्यू गिनी ये ऑस्ट्रेलिया के पास में आइलैंड पड़ता है। इसकी जो कैपिटल है वह पोर्ट मरसबी पापा और इसकी पापा न्यू गिनिया कीना इसकी करेंसी है। तो देख सकते हो बहुत इजी है याद करना, ठीक है। अगला कंट्री है पैरागुए, पैरागुए कहाँ पड़ता है, पैरागुए पड़ता है साउथ अमेरिका में। एसुनकियोन इसकी कैपिटल है और गुआरानी इसकी पड़ती है करेंसी। पेरू ये भी पड़ती है साउथ अमेरिका में, पेरू की जो कैपिटल है वो लीमा और करेंसी है न्यूओ सोल। अगली कंट्री फिलीपींस, फिलीपींस की जो राजधानी है वह मनीला, बहुत कितनी फेमस राजधानी है आपको याद ही होगा, मनीला इसकी कैपिटल और फिलीपीन पीसो इसकी करेंसी है। पोलैंड, पोलैंड पड़ता है आपका कहाँ, ये यूरोप में, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल है वह वॉर्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और करेंसी है ग्लॉटी। अगली कंट्री जो आपको याद करनी है पोर्तुगल, पोर्तुगल भी यूरोप में पड़ती है। पोर्तुगल की जो कैपिटल है वो लिस्बॉन और करेंसी यूरो, ठीक है। पोर्तुगल आपको यह पता ही होगा जहाँ के रोनाल्डो हैं, तो यूरो क्यों करेंसी, क्योंकि ये यूरोप की कंट्री है, ठीक है। अगली कंट्री है कतर, ठीक है। कतर में अगला कौन सा ऐसा टूर्नामेंट होने जा रहा है ये आपको मेरे रिकमेंडेशन बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कतर में अगला कौन सा टूर्नामेंट होगा, तो कतर की जो कैपिटल है वो देख लेते हैं, वो है दोहा और करेंसी है कतारी रियाल। अगली कंट्री जो आपको याद करनी है वो है रोमानिया, रोमानिया की जो कैपिटल है वह बुचारेस्ट और करेंसी है रोमानियन रुपी। अगली जो आपको याद करनी है वो रशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया में अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। इसकी जो कैपिटल है वह मॉस्को और रूबले इसकी जो है करेंसी है। अगली जो कंट्री है वह रुवांडा, रुवांडा की जो कैपिटल है वह किगाली और करेंसी है रोवांडन फ्रैंक। तो सिर्फ आपको इतनी ही कंट्रीज़ की करेंसी और कैपिटल याद करनी है जितनी मैंने बताया, ठीक है। इसके बाहर नहीं आएगा जो जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है, जैसे बता दें टर्की के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो भी कैस्पियन सी के जो भी बॉर्डर करते हैं, जैसे कि रशिया हो गया, अजरबैजान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इनकी भी कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन पर ज़्यादा फोकस रखिएगा जो ज़्यादा भी न्यूज़ में रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कौन से टॉपिक पर आप अगली वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।